बूटा सिंह है। क्या मामला हुआ? ये आपस में कोई इसका मामा भांजे थे, तो भाई कह रहा था मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा, तो वो लड़का कहने लगा कैसे कैसे ले जाओगे, हमारा तो कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं है, और खाए पिए हुए थे, शराब पिया हुआ था। उसके बाद में बोला चाली में उसको पकड़ लिया, दो जने थे वो, उसको पकड़ लिया और उसने मुक्कों से बैठ करके नीचे गिरा करके मुक्के मारे उसको, और वो ख़त्म हो गया 2-5 मिनट में। जब वो ख़त्म हो गया तो वो मामा था वो भाग लिया वहाँ से, और वो जो दूसरा जवाई था वो भी भाग लिया वहाँ से, और वो लाश वहाँ पड़ी रहेगी। फिर वो रिश्तेदारों को बुलाया, रिश्तेदारों ने बोला भी ये तो मेटल पुलिस मेटल है, जब तक पुलिस में खबर नहीं जाएगी जब तक इसको दाग नहीं लगने देंगे। तो रात को रिपोर्ट नहीं हुई, सुबह रिपोर्ट हुई, सुबह तो आप पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। कौन से गांव का मैटर है ये? बनी गांव का मैटर है। कल की घटना है? कल की रात की घटना। साथ में कहाँ का रहने वाले हैं? ये मोहनगढ़ का रहने वाला है। तो वो जो आपका भांजा उसका क्या नाम है? ये ओमी मरा, ये ओमी नाम है उसका। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 20-21 साल करीबन। शादीशुदा है? नहीं। क्या करता है ये? भी मजदूरी करता है। वजह क्या हुई सर मारपीट? मारपीट की वजह तो वो उसके उसकी माँ को लेने आया वो, तो उसने बोला कि तू क्यों ले जाएगा, खाए पिए हुए थे, बोले चाली में हो गए झगड़ा। हाँ तो तू मुँह में होते झगड़ा हो गया उनका। किस चीज़ से मारा उसको? हाथों से ही मारा उसको। कविंदर जी क्या लगता था आपका? हमारा साड़ा लगता था जी। किस तरह से ये घटना हुई जी? हमारे को तो कुल 11 बजे 1 बजे पता लगा जी भी ये घटना हुई है, ठीक है ना। हम आए थे गरसाना से, यहाँ पहुँचे जब ही तो काम हो रखा था। क्या बताया जब आप यहाँ पहुँचे तो कोई बंदा भी उसको हाथ से मारा गया पकड़ के, तो मामे ने मारा गया है। उसका जमाई भी साथ में आया था मिलने के लिए, वो भी साथ में था, उसको भी पकड़ लिया, उसको नहीं पकड़ा गया है मामे को। हाँ उसको पकड़ लिया।